हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ योगेश। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र कम इन्वेस्टमेंट बैंकर हूँ। जैसा कि आपने वीडियो के टाइटल में देखा कि कौन हाथ धो के पीछे पड़ा है अंबानीज के पीछे, इसका पूरा जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो ध्यान से देखिए। आप सभी लोग जानते हो कि अंबानी मतलब एशिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी और इंडिया का कम से कम 10-15 साल से टॉप मोस्ट वेल्थियस्ट पर्सन है। तो आज हम जानेंगे कि इनके पीछे कौन हाथ धो के पीछे पड़ा है और क्या कभी इनकी कुर्सी कोई हासिल कर सकता है क्या। तो आज हम डिटेल में इसका एनालिसिस करके बताऊंगा कि क्या ये पॉसिबल है और कौन इसके इनके पीछे पड़ा है। तो मैं ये डिटेल एनालिसिस करके बताऊंगा आज अंकों के हिसाब से, तो ध्यान से देखिए और समझिए। मुकेश अंबानी जी रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन हैं और उनकी कंपनी की टोटल मार्केट कैपिटल है आज 14,42,000 करोड़। ओके, सो उसके हिसाब से उनकी टोटल नेटवर्थ है आज के दिन में 85.8 बिलियन डॉलर्स। ओके, तो इसके हिसाब से नियरली अबाउट 6,20,000 करोड़ की उनकी नेट वेल्थ होती है। पिछले एक साल से अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी बहुत हाई स्पीड से अमीर बनते जा रहे हैं। इंडिया के टॉप सेकंड रैंक होल्डर है वेल्थ के मामले में। उन गौतम अडानी जी की टोटल नेटवर्थ है 76 बिलियन US डॉलर, यानी कि रुपीज़ में कन्वर्ट किया जाए तो 5,53,000 करोड़ के आसपास आती हैं। तो उनकी टोटल 6 कंपनीज शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं। अडानी एंटरप्राइजेस टोटल मार्केट कैपिटल है 1,74,000 करोड़। दूसरी कंपनी है अडानी ग्रीन, अडानी ग्रीन की टोटल मार्केट कैपिटल है 2,12,00 करोड़। तीसरी कंपनी है अडानी पोर्ट्स करके, उसकी टोटल मार्केट कैपिटल है 1,69,000 करोड़। चौथी कंपनी है अडानी पावर, उसकी टोटल मार्केट कैपिटल है 39,000 करोड़। पाँचवीं जो कंपनी लिस्टेड है उसकी टोटल मार्केट कैपिटल है 1,74,000 करोड़, अडानी ट्रांसमिशन करके है उसका नाम। और 6 नंबर पे है अडानी टोटल गैस लिमिटेड करके, उसकी टोटल मार्केट कैपिटल है 1,79,000 करोड़ के आसपास। तो टोटल कुल मिला के 6 कंपनियों की मार्केट कैपिटल होती है 9,40,000 करोड़ के आसपास। तो उसमें से मैक्सिमम 72-75% शेयर्स होल्डर हैं गौतम अडानी जी। तो गौतम अडानी जी का पूरा जो बिजनेस है वो अभी डाइवर्सिफाइड किया गया हुआ है। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो मुकेश अंबानी जी का रिलायंस इंडस्ट्रीज शेयर्स के हिसाब से वो 49% उनके पास प्रमोटर के शेयर्स हैं और अडानी ग्रुप के 70-75% प्रमोटर के शेयर्स हैं गौतम अडानी जी के। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अगले एक मंथ में या फिर 2 मंथ में हमें इंडिया में एक नया चेहरा दिखेगा जो कि सबसे अमीर इंसान, वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवर, सेल्फ मेड बिलियनियर होगा, वो है गौतम अडानी जी। आपको क्या लगता है आप ज़रूर बताना, क्या कोई अंबानी फैमिली को पीछे ढकेल सकता है नेटवर्थ के मामले में, अमीर इंसान बनने के मामले में। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो कमेंट में डाल दीजिए, मैं उसके आंसर देने की कोशिश करूँगा। लव यू ऑल।